क्या आपको पता है कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता है? दरअसल कुंभकर्ण अपने ही भाई रावण जितना तेजस्वी था। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण वरदान स्वरूप में ब्रह्मा जी से इंद्र का सिंहासन मांगने वाला था और इस बात की खबर देवराज इंद्र को पहले से थी। उसके बाद देवराज इंद्र माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवराज इंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा तब माता सरस्वती उसकी जीवा पर जाकर बैठ जाएगी, जिस कारण वह इंद्रासन की जगह नंद्रासन मांग लेगा। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा तब देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीप पर जाकर बैठ गए, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह नंद्रासन निकल गया। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया कि जिसके फल स्वरूप अब वह जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। लेकिन बहुत याचना करने पर ब्रह्मा जी ने फिर भी कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन निद्रा से जागने की अनुमति दी। अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी निद्रा में सोएगा और उसके बाद केवल एक दिन के लिए जागेगा और उसके पश्चात फिर 6 माह के लिए सोएगा। इस तरह देवी सरस्वती के बनाए हुए योजना के तहत कुंभकर्ण 6 माह तक सोता रहता है। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले।